नमस्कार दोस्तों, मुस्कान हुनर आर्ट में आपका स्वागत है। बैग में अगर हैंडल लगाना हो तो आप कैसे लगाएंगे, ये मैं आपको बताती हूँ आज। इससे पहले की वीडियो में मैंने बैग बनाना आपको दिखाया था, आप चाहें तो आप मेरी वीडियो खोल के देख सकती हैं बैग कैसे बनाया जा सकता है। अगर आपके घर में वेस्ट कपड़े हों या कपड़े का कोई भी बैग बनाना हो तो आप किस तरह से बनाएंगे, ये आप हमारी इससे पिछले की वीडियो में देख सकती हैं। सबसे पहले हम ये लंबाई देख लेते हैं कि बैग में ये जो ये पार्ट है इसकी लंबाई कितनी है। तो ये लंबाई आ रही है 13.5 इंच की लंबाई आ रही है। तो बीचों बीच बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगा लेंगे, यानी 6.5 इंच और ये दो लाइन और, यानी ये हम निशान लगा देंगे। अब इस निशान से दोनों तरफ कितनी इंच पे एक दूरी ले लेते हैं। इस निशान से 2.5 इंच की दूरी पे एक और निशान लगा देंगे दोनों साइड में। दोनों साइड में 2.5 इंच की दूरी पे मैंने एक निशान लगा लिया है। अब इस तरह से एक कपड़े का हैंडल मैंने सिल के रख लिया है, इसको लगाएंगे। ये जो 2.5 इंच का हमने निशान लगाया है यहाँ पे, इस निशान के पास इसको इधर का पार्ट ये रख लेंगे। इसको अंदर से भी सिला जा सकता है, लेकिन थोड़ा ये डिज़ाइन बन जाए इस वजह से मैंने इसको ऊपर से ये लगाया हुआ है। यहाँ पे रख के और सुई से हल्का सा टांग देंगे। इस तरह से सुई से इसको टांग देंगे, यहाँ पे हल्की सी नथी लगा देंगे और फिर सिलाई मशीन आप लगाना चाहें तो लगा सकती हैं, चला सकते हैं इस पर, और नहीं तो फिर इसी से खूब मजबूत सिलाई हाथ से ही कर लेंगे। ये मैंने सिलाई कर दिया है। अब इसी तरह से दूसरे साइड में भी कर लेंगे। थोड़ा सा ये जो नीचे का पोर्शन है इसको हल्का सा ऐसे मोड़ लेते हैं, और मोड़ के जो ये मैंने 2.5 इंच पे यहाँ पे ये पॉइंट लगाया था इसके बीचों बीच में ऐसे इसको सेंटर करते हुए इसके सेंटर के पास इसको रख देंगे ऐसे करके, और फिर से यहाँ पर भी सिलाई कर देंगे हाथ से। ये हमने कर दिया है। अब इसी तरह से दूसरे साइड में भी इधर के पोर्शन में भी इसी तरह कर देंगे। इसी तरह इधर के पोर्शन में भी इंच टेप से निशान लगा के, और इधर भी हैंडल इसी तरह लगा लेंगे 2.5 इंच की दूरी लेते हुए। मैंने इसी तरह कर दिया, ये दोनों कर दिया। ये एक बैग बन के तैयार हो गया है अच्छा सा। ये दोनों हैंडल मैंने लगा दिया है, इसी तरह से पीछे साइड का भी मैंने लगा दिया है ये। अब इस पर और अच्छे से पक्की सिलाई के लिए आप सिलाई मशीन भी चला सकती हैं, इस पर सिलाई मशीन चला दें तो ये पक्की सिलाई हो जाएगी। अब ये बैग बन के तैयार हो गया है दोस्तों, ये बैग बन के तैयार हो गया है। आप इसको लेके कहीं भी जा सकती हैं, आपको सफ़र में जाना हो तो एक दो कपड़े रख के आसानी से लेके जा सकती हैं, देखने में भी सुंदर लगेगा और रफली इसको यूज़ भी कर सकती हैं। दोस्तों ये बैग बनके तैयार हो गया है। आपको बैग की डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें। थैंक यू।